हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज ये वीडियो मैंने प्रेगनेंसी का जो ट्राइमेस्टर्स फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर से रिलेटेड जो वीडियो बनाया था उसी से रिलेटेड ये तीसरा वीडियो है जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए है। थर्ड ट्राइमेस्टर का मतलब 7, 8 एंड 9 मंथ लास्ट के जो 3 महीने होते हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो है। और इसमें मैं डाइट से रिलेटेड और थोड़ा एक्सरसाइज में क्या चेंजेज है और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, बेबी का ग्रोथ कितना होता है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। तो जैसा कि जानते हैं कि मंथ के जो लास्ट वाला पोर्शन होता है 7th, 8 एंड 9th मंथ, ये काफ़ी ध्यान देने वाला मंथ होता है क्योंकि इस वक्त जो फेटस होता है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट हो चुका होता है इसका, और मदर काफ़ी वीक हो जाती है, डेफिशिएंट हो जाती है हर तरीके से। बेबी में क्या होता है उधर की पूरा का पूरा लिम्स काफ़ी हद तक डेवलप कर चुका होता है और सबक्यूटेनियस फैट जिसको कहते हैं, जो फैट स्टोर होता है, एक्यूमुलेट होता है स्किन के नीचे, क्योंकि फैट दो तरीके का होता है, विसरल एंड सबक्यूटेनियस फैट। जो स्किन के नीचे वाला फैट होता है वो फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और बहुत ही ड्रास्टिकली ब्रेन भी डेवलप हो चुका होता है। तो मतलब उस तरीके से एक प्रोसेस में होता है, काफ़ी स्पीड होता है। लेकिन इसमें इस वक्त आप बेबी को थंब चूसते हुए देख सकते हैं, अगर कोई टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं आप या कोई ब्लड सैंपल ले रहे हैं या कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाते हैं इससे, तो कई बार आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिल सकता है। फेशियल फीचर्स जो है काफ़ी आपको रिस्पॉन्ड करता हुआ मिलेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम खाते हैं अपने डेली रूटीन में, जो मदर यूज़ करती है, खट्टी कड़वी चीज़ें, मीठी चीज़ें, तो उसके स्वाद को लेके, वो डिफरेंट स्वाद को लेके उसका फेशियल एक्सप्रेशन जो है, फीचर्स जो अब इसी वक्त में दिखता है मोस्टली इन 7 मंथ। आइज़ का ओपन होना और क्लोज होना ये भी 7th मंथ के ड्यूरेशन में, जो लास्ट ट्राइमेस्टर के जो 7th मंथ है उसमें देख सकते हैं। और इस तरीके से बेबी का काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हो चुका होता है, सब कुछ अगर बिल्कुल नॉर्मल अगर रहता है आपका तो। और हमेशा जो है हर 2 घंटे के ऊपर, every 2 hours के ऊपर 10 मूवमेंट, मतलब कि समझ सकते हैं आपकी मेरा कहने का मतलब है 10 मूवमेंट्स मीन्स कई बार पैर मूव कर रहा है, हाथ मूव कर रहा है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, इस तरीके के वो एटलीस्ट 10 मूवमेंट्स every 2 hours के ऊपर होता है इन जनरल, जो अकॉर्डिंग टू जो टेक्स्ट है हमारा अपना शास्त्रों में भी लिखा हुआ है इस तरीके से, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही मैं बात कर रहा हूँ अभी। और इसके बाद जब ये पोजिशन सब होने लगता है और इस तरीके से, तो इस वक्त काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है अपना, और मैंने पहले भी वीडियो में बनाया हुआ है कि कैसे अम्बेलिकल कॉर्ड कितना इम्पोर्टेंस है उसका जब तक आपका डिलीवरी नहीं हो जाता है, तो उससे रिलेटेड आपका पोस्चर्स और क्या क्या रखना है, क्या एक्सरसाइजेस करने हैं, वो आप देख सकते हैं पहले वीडियो में। तो यहाँ मैं बात करने वाला हूँ कि जब ये ग्रोथ इतना हो चुका होता है और आपका डाइट क्या होना चाहिए इस वक्त में। डाइट में आपको बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि इस वक्त आपको भूख हो सकता है कि ज़्यादा लगे और डाइजेशन आपका कमज़ोर हो चुका होता है, मतलब आप कुछ भी खाएंगे तो हो सकता है कि इजीली डाइजेस्ट ना हो और आपको इच्छा भी कर सकता है, क्योंकि कई बार बेबी के फीलिंग्स को लेके, उसके स्वाद को लेके आपको फील होगा कि मुझे ऐसा खाना है, इस तरीके का टेस्टिक भोजन लेना है, इस वजह से आप हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाने की इच्छा करें। लेकिन आपको ओवर ईटिंग नहीं करना है बिकॉज़ योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वेरी वीक एंड स्टॉमक इज़ पूरा स्मॉल, क्योंकि इस समय जब पूरा का पूरा अब्डोमन के ऊपर जो जो भार स्ट्रेंथ पड़ता है उसके ऊपर और प्रेशर आता है बिकॉज ऑफ बेबी, जो उसका डेवलपमेंट होता है उसकी वजह से, तो आपका जो स्टमक है वो भी कंप्रेस हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत फोर्सफुली नहीं खाना है, किसी को बोल दिया कि बहुत न्यूट्रिशन डाइट लेना है और यू आर टेकिंग लॉट्स ऑफ मील, तो आपको इसको समझना है। हाँ, ये कर सकते हैं आप कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग करना है तो आपको बटर मिल्क लेना है जो कि थोड़ा खट्टा सा होगा, उसको जो है आप अपने डाइट में ले सकते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाने के लिए। उसमें फिर क्या करना है आपको डेली डाइट में जो है सो क्या लेना है, राइस का सूप, घी, और जो आपका दाल आता है दाल में हो गया खास करके मूंग, तो मूंग की दाल का सूप भी बनाना है और उसको भी पीना है और उस दाल को खा भी सकते हैं। स्टेम्ड किया हुआ वेजिटेबल, स्टेम्ड किया हुआ फ्रूट, मतलब आपको कच्चा नहीं खाना है, सब कुछ ऐसे स्टेम करके ही खाना है, सच दैट कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे, गैस प्रोड्यूस ना हो,
क्योंकि जब आपका गैस बनता है तो गैस जब बनेगा, एयर जब आएगा, तो उसकी वजह से आपको दिक्कत आता है, पूरा जॉइंट पेन में दिक्कत आ सकता है या और भी किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट हो सकता है रिलेटेड टू डिलीवरी इन द लास्ट मंथ्स। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका गैस नहीं बनना चाहिए, डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन अगर होता है तो आपको ऑयल से एक एनिमा लेना है हर 10 दिन के ऊपर, या वीकली भी ले सकते हैं, एक बार लेना है। और पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए आप ऑयल, तेल का धारा, मतलब तेल से ड्रॉप्स वगैरह हल्के हल्के दोनों भौं के बीच में पूरे स्पाइन के ऊपर हल्का मसाज नहीं करना है, जस्ट एक धारा ड्रॉपलेट्स गिराते जाना है, तो ये भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो है, आप जो है इस मंथ में स्पेशली लास्ट जो 8 मंथ होता है और 8 मंथ्स के बाद का जो मंथ होता है और इंक्लूडिंग योर 7 मंथ भी, इसमें आपको मिल्क का डिकॉक्शन बनाना है, काढ़ा बनाना है। मतलब मिल्क में अच्छे से सतावर डालना है, इसको एक बार बॉईल करना है और उसको उतार के हल्के हल्के पीना है। सुबह भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं, मोस्टली तो ये खाने के बाद ही लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा क्या करना है आपको कि ताकि आपका लुब्रिकेशन बना रहे, घी तो लेना ही है। साथ में आपको रात में सोते वक्त में, आफ्टर डिनर, आपको दो तेल का नाम बता रहा हूँ, उसमें एक तो है सीर वाला, 101 आता है, ये मिल जाएगा आपको बहुत अच्छे से, सीर वाला। एंड एक होता है धन्वंतरम तेलम, जो 101, दोनों 101 करके आता है इसका नाम, उसको भी आप ले सकते हैं 3 से 4 बूंद आफ्टर मील। तो इन चीज़ों से आपके पूरे सिस्टम को लुब्रिकेशन मिलता है, डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस पूरे रहते हैं। और साथ में जो फ्लोर एक्सरसाइजेज है वो सब चीज़ें आपको करनी है, जो भी मैंने एक्सरसाइजेज बताया हुआ है, पेल्विक फ्लोर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज मैंने बताया हुआ है पहले वाले वीडियोज में, तो एक्सरसाइज वाले पार्ट में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, सिर्फ फॉरवर्ड बैंडिंग और मैंने शशांक आसन जो बताया था कि बहुत ज़्यादा आप बेंड करके नहीं कर सकते हैं, तो सपोर्टेड कर सकते हैं। और मेन ध्यान आपको यही रखना है कि एक्सरसाइज कोई भी हो सकता है, एक्सरसाइज डजेंट मैटर, क्योंकि एक्सरसाइज बनाए जाते हैं। एक्सरसाइज कोई ऐसा नहीं है कि कस्टम कहीं से बन के तैयार हो कि एक्सरसाइज वही करना है आपने। एक्सरसाइज मीन्स व्हाट एक्चुअली, आपका जो भी मसल्स है, फाइबर्स है, जिसका डायरेक्शन कैसे है, किस बॉडी पोस्चर से आपको क्या हानि हो सकता है, तो एक्सरसाइज आप खुद भी बना सकते हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज मुझे क्या करना है, मतलब कि कौन सा मुझे बॉडी पार्ट्स को कितना मूव नहीं करना है या किससे क्या डैमेज हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, मायने रखता है, क्योंकि उसी से उसका सारा सप्लाई जाता है फूड का। तो अगर आपका कोई भी बॉडी मूवमेंट ऐसा होता है जिसमें कि ट्विस्टिंग हो गया या कंप्रेस हो जाता है कॉर्ड, तो कॉर्ड के कंप्रेस होने से उसके अंदर से जो भी नर्व्स आर्टरीज वगैरह पास हो रहा है उससे उसका न्यूट्रिशन नहीं जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप कोई भी ऐसा मूवमेंट मत करिए, कोई भी ऐसा एक्सरसाइज, आप अगर यूट्यूब पे बहुत सारे एक्सरसाइज मिलते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसको करते वक्त में ये ध्यान रखना है कि बेसिक फंडा यही है कि एम्बेलिकल कॉर्ड जो आपका होता है वो नाभि से जुड़ा होता है, और उसको जो है सो आपका कोई भी ऐसा एक्शन, फॉरवर्ड बैंडिंग या लेग का रेज करना 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, तो इससे आपका क्या होता है कि दिक्कत आ सकता है, लेस देन 90 डिग्री में भी दिक्कत है। अगर आपने नी को चेस्ट लेवल पे लेके कंप्रेस किया है वो भी दिक्कत हो सकता है, एनी हाउ आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरीके से आपको वो समझना पड़ेगा कि कहाँ पे कंप्रेशन आ रहा है। इसके बाद इस मंथ में ऐसा होता है कि आपको काफ़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, उस प्रॉब्लम को लेके काफ़ी घबराना नहीं चाहिए। बैक पेन, एडेमा, स्वेलिंग, फटिग्स, हार्ट बर्न, लेग क्रैम्प, सीआईटी का होता है, क्योंकि जब कंप्रेशन काफ़ी आ जाएगा, स्टमक के ऊपर ज़्यादा पूरा लोड आता है, तो क्या होता है कि हमारा L4 L5 बैक का जो हिस्सा होता है उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर आता है, और इसकी वजह से सीआईटी का नर्व्स में कंप्रेशन आने लगता है। तो ये बहुत कॉमन सा है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। इसी तरीके से यूरिनरी ब्लैडर्स वगैरह कंप्रेस होता है, तो उसकी वजह से भी इनकॉन्टेंस हो सकता है कि पेशाब रोकने में दिक्कत हो, आपको फ्रिक्वेंटली यूरिनेट होना पड़े। इसी तरीके से वेरिकोज वेन होता है, क्योंकि वेरिकोज वेन की वजह से ब्लड का सप्लाई आर्टरीज की तरफ नहीं जाता है और वो लेग की तरफ ही रहता है, तो इसी तरीके से ये भी हो सकता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्रैम्प्स बहुत सारी बॉडी में आ सकता है, नोजिया सेंसेशन होना, या फिर इसी तरीके से किसी भी तरीके का डर या घबराहट हो रहा है, तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है।
ओवरकम करना है, मूड मूड काफ़ी स्विंग होता है तो उससे भी कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये सब चीज़ें टेम्प्रोरी होता है, एक समय के बाद ये सब अपने आप ही चला जाता है। जो लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रहे हैं उसको हो सकता है कि लेबर पेन जो है 12 से 24 घंटे रहे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में इतना ड्यूरेशन के लिए दर्द रहता है, तो उससे भी आपको बिल्कुल दिमाग से इन चीज़ों को हटाना है कि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लेटर जब सेकंड टाइम में होता है तो वो कम होता है और पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहता है कि किसी को थोड़ा कम और किसी को थोड़ा ज़्यादा इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो इस तरीके से मैंने कुछ चीज़ें आपको बताया है, हो सकता है कि आपको और भी चीज़ें बहुत सारा मटेरियल मिले, लेकिन बिल्कुल जो कोर चीज़ें हैं वो मैंने बता दिया है कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्यों बॉडी पोस्चर्स हमारा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका मेन ध्यान होना चाहिए एम्बिलिकल कॉर्ड जिसके थ्रू सप्लाई जाता है, मैक्सिमम आपको अपर बॉडी के एक्सरसाइज करना है जिसमें कि आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है। लंग्स की कैपेसिटी को जितना आप बढ़ाते हैं, शोल्डर से रिलेटेड एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं, मैक्सिमम एयर इनहेल करते रहना है सच दैट कि आपकी उस एयर में से ऑक्सीजन बॉडी को ज़्यादा मिल पाए और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेबी तक पहुंचा पाए, जॉइंट्स में, मसल्स में, फाइबर्स में, सबको पहुंचाए सच दैट कि बेबी का ग्रोथ प्रॉपर और होता जाए। और ख़ास करके इन लास्ट मंथ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि ऑक्सीजन प्रॉपर रहे। तो थैंक यू वेरी मच, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही है। इन फ्यूचर अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ एडिशन करता हूँ मैं या और भी कुछ वीडियो बनाता हूँ तो ज़रूर आपको मैसेज मिलेगा। एंड थैंक यू वंस अगेन।